आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ध्यान लगाते हैं और ध्यान की अवस्था में अगर आपको झटके लगते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है। इस रहस्य को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और योग से संबंधित इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे को भी जरूर दबाएं। जब किसी व्यक्ति के साथ ध्यान की अवस्था में यह सब घटित होता है तो ऐसा व्यक्ति घबरा सा जाता है और ध्यान करना छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान लगाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की ध्यान की अवस्था में उसकी चेतना ऊपर की ओर उठती है और चेतना आज्ञा चक्र और सहस्त्रहार चक्र के बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन इस चेतना का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह सहस्त्रहार चक्र होता है। जब कोई साधक अभ्यास के दौरान ध्यान लगाता है और यदि उसे ध्यान की अवस्था में झटके लगते हैं तो इसका कारण है कि व्यक्ति की चेतना ऊपर की ओर ना उठकर शरीर के विभिन्न स्थानों की ओर जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को अपने शरीर में झटके लगते हैं। कभी कभी साधक सोते हुए भी ध्यान मग्न हो जाते हैं, और अगर साधक को सपने में दिखता है कि उसका पैर फिसल गया है तो वह सोते हुए भी उसके पैरों में झटके आते हैं। हमारे इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 3 नाड़ियां बहुत ही प्रमुख हैं, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही हमारे सप्त चक्र विराजमान होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही हम अपनी कुंडली शक्ति को सहस्त्रहार चक्र तक ले जाते हैं। अगर ध्यान की अवस्था में साधक की चेतना सुषुम्ना नाड़ी को छोड़कर यदि इंडा या पिंगला में पहुंचती है तो चेतना हमारी सहस्त्रहार चक्र तक नहीं पहुंच पाती है, बल्कि आज्ञा चक्र पर जाकर रुक जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि आप ध्यान की अवस्था में स्थिर होकर बैठें और प्राणायाम के द्वारा अपनी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करें, तब ध्यान करें, तभी आपकी चेतना सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी। और जब आपकी चेतना सहस्त्रहार चक्र पर पहुंच जाएगी तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे को भी जरूर दबाएं, जिससे आप योग और वेद पुराणों से संबंधित जानकारी हमारे इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।